हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल की तैयारी अगर करने की सोच भी रहे थे तो एक डर सता रहा था कि आखिर पता नहीं हमारे कट ऑफ से कितने ज़्यादा मार्क्स होंगे या फिर हम फिक्स नंबर पे तो नहीं है। जैसे ही कल कट ऑफ जारी हुई उसके बाद में वो डर और ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी बच्चे के 2 नंबर ज़्यादा, किसी के 4 नंबर, किसी के 8 नंबर भी ज़्यादा है। 8 नंबर वाला बच्चा भी कॉल और मैसेज करके ये पूछ रहा है कि सर क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। सर फाइनल सिलेक्शन तो हो जाएगा ना सर, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, या आप मुझसे नहीं हर जगह जाकर के पूछ रहे हैं क्योंकि आपको वो डर सता रहा है। या तो कई बच्चों ने पिछली बार इस चीज को फेस किया होगा कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, कई बच्चे उनसे सुन सुन करके घबराए हुए हैं, कई बच्चों को जो आसपास की समस्याएं देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनसे घबराहट हो रखी है कहीं लास्ट में जाकर के तो मैं नहीं रह जाऊंगा। मेरे प्यारे लाडलो, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ये आपके लाइफ का सवाल है। पहला सवाल आता है सर इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, क्या हम फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। दूसरा सवाल आता है सर हम रनिंग करने जाते हैं तो हमारे साथ होता है, कई बच्चों ने पहले फिजिकल दिया है उनके साथ हुआ है या फिर आपने कई बच्चों से सुना भी है कि जब वो वहाँ पे फिजिकल ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे या तो उन्हें घबराहट होती है या फिर उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं या ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे जब पहले वो फिजिकल की तैयारी करते थे, रनिंग करते तब नहीं होती थी, इसके रीजंस क्या, इन चीज़ों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ कि सर इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी इस बात को, आप इस झमेले में आप अपने लक्ष्य को जो पाना चाह रहे हो ना, अपने सपने को ना खुद के हाथों से मिटा रहे हो। ध्यान से सुनना इस बात को, ये कड़वा है बट सत्य है, क्योंकि कि सच है वो हमेशा कड़वा ही होता है। इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। आपको कई लोग बोल रहे हैं कि अगर इतने से नंबर ज़्यादा है आपके कट ऑफ से, 5 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा, 13 कहाँ होगा, या किसी के तो फिक्स नंबर भी है तो भी बोला जा रहा है 13 कहाँ होगा, क्यों फिजिकल की तैयारी कर रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों पसीना बह रहा है, ऐसा हो रहा है ना, बताइएगा जरूर कमेंट करके कितने बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप तैयारी करें या नहीं करें। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो, अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। इसका रीज़न क्या है, आपको डर सता रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि आपके साथ अधिकतर स्टूडेंट जिनको आप जानते भी नहीं थे वो भी आपको एग्ज़ाम में मिले थे, अधिकतर ने बोला है कि उसने 2-3 जगह से फॉर्म लगाया है, यानी कि अधिकतर ने 1-2 एग्ज़ाम तो दिए, कई ने ऐसे हैं कि पूरे के पूरे पेपर भी दिए। क्या वो सारे स्टूडेंट हर डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन करेगा, एक स्टूडेंट एक ही जगह से लास्ट जाकर के फाइनल सिलेक्शन एक ही जगह से लेगा ना, एक ही जगह जाकर के ज्वाइन करेगा था। एक अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उसने मेरिट वहाँ पे थोड़े नंबर बढ़ाए हैं तो वो बाकी जगह पे भी जहाँ पे भी उसने एग्जाम दिए तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट तो करेगा। तो उस चक्कर से कुछ चुनिंदा स्टूडेंट होते हैं उनकी वजह से सारी की सारी मेरिट है वो इफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए आप ये मत घबराइए कि वहाँ से इतनी कट ऑफ गई है तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी इतनी जाएगी। हो सकता है कि वहाँ से इतनी गई आपकी और भी कम चली जाए, और किसी डिस्ट्रिक्ट की कम गई है आपकी और भी ज़्यादा चली जाए, तो ये चीज़ मत सोचिए। आपका काम है अभी अपना कर्म करना, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, कहीं लास्ट में आपको पछताना पड़े काश मैं फिजिकल की तैयारी कर लेता, इस डिस्ट्रिक्ट से तो इतनी कट ऑफ गई है। मैं आपको बता दूं कि 2018 की बात है ये, जब राजस्थान पुलिस के फिजिकल हुए थे, उनकी बात बता रहा हूँ, जो बच्चों को वो चीज़ महसूस हुई थी जो गलतियाँ उन्होंने की थी उस टाइम पर, जब 2018 वाली जो एग्ज़ाम थी उसके जब पहले फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पर बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम चूज करते हैं कि यार यहाँ से तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। सीकर की बात कर रहा हूँ, सीकर से हमेशा डर लगता है कि सीकर की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। फिजिकल होने के बाद में जब फाइनल मेरिट आई तो ये पता चला कि सीकर की कट ऑफ इतनी नहीं गई है, यानी कि फिजिकल के वक्त भी वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई करने वाले बच्चे ही नहीं मिले, इसलिए उन्हें दोबारा से लिस्ट निकालनी पड़ी। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप पुरानी डिटेल जाकर के चेक कर लीजिएगा, सीकर की बता रहा हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो आप ये सोच करके मत घबराइए कि आपने कहाँ से फॉर्म भरा है, इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। आपकी ये कट ऑफ आने के बाद में भी हैंड टू हैंड कुछ ही समय बाद में इसकी सेकेंड लिस्ट जारी होगी, हो सकता है इसकी थर्ड लिस्ट भी आ जाए। उसका रीज़न क्या है, पहली बात तो ऐसा है, पहला रीज़न ये कि अधिकतर बच्चों ने 2-3 जगह से फॉर्म लगाया, वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन करेगा तो जहाँ पे सीट खाली रहेगी तो दोबारा कॉल होगा तो सेकंड लिस्ट कंफर्म आएगी। थर्ड लिस्ट आने के चांसेस क्यों हैं, अधिकतर बच्चे जिन्होंने कांस्टेबल की एग्ज़ाम दी थी उनमें से
पटवारी भी लगे हैं, कई बच्चे वीडियो में भी पास हुए हैं, तो कॉन्स्टेबल की क्यों करेगा, वीडियो की करेगा ना। कई बच्चे कंप्यूटर निदेशक में भी पास हुए हैं, वो इसकी क्यों करेगा। कई बच्चे रीट के भी एग्जाम दे रहे हैं, वो राजस्थान पुलिस की कॉन्स्टेबल की जॉब क्यों करेगा। वहाँ पर सीट खाली रहेगी ना, ठीक है, जब तक बैकलॉग में नहीं आती तब तक तो आपकी लिस्ट जारी होगी ना। इसलिए ये चीज़ मत सोचिए कहीं आपको पछताना पड़े। अगर इस बात से सहमत है कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सर मैं तो कहीं ना कहीं इसको स्कीप करने जा रहा था, हार मान रहा था, लेकिन अब मैं पक्का करूँगा या पक्का करूँगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एग्जाम हुई है कितनी, 150 मार्क्स की है। इनमें से आपके कितने भी मार्क्स है, आपका जो मेन रोल प्ले करता है वो क्या होता है, फिजिकल, ठीक है। और इसके अंदर 20 नंबर के आपके एक्स्ट्रा मार्क्स, जैसे कि आप अगर आप NCC कैंडिडेट हैं या फिर आप होमगार्ड से रिलेटेड हैं या फिर आपने पुलिस से रिलेटेड कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो मेनली जो टोटल कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है, 200 में से जाती है। लेकिन ये 20 नंबर हर कोई बच्चा गेन नहीं कर पाता, कुछ गिने चुने स्टूडेंट होते हैं। यानी कि आप ये मानकर चलिएगा कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो ये समझ करके चलिएगा कि वो 180 में से उनको मार्क्स गेन करने, तो आप इसको तो भूल जाइए। एक तरीके से आपको 180 में ही कॉम्पिटिशन है, ये 20 नंबर तो गिने चुने स्टूडेंट होते हैं, तो इस चीज़ को भूल जाइए। तो आप कट ऑफ से डरिए मत, इस बात को समझ लीजिएगा। इसमें से आपके कितने भी मार्क्स आए हैं, लेकिन अगर आपने इसमें से 150 में से 150 है लेकिन ये 30 नंबर आपने गेन नहीं किए, तो ये कोई मतलब के नहीं है, ये क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। पहले आपकी क्या होती थी, 10 किलोमीटर की दौड़ होती थी, अब कितनी हो गई, ये 5 किलोमीटर की दौड़ हो गई, एक लिमिटेड समय में आपको पूरी करनी है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जहाँ पे अपने ग्राउंड के अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे वो अक्सर होते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं दौड़ने के 5 मिनट पहले ही रनिंग को पूरी कर लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 मिनट पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब आप, सबसे बड़ा सवाल अभी मैंने बात की थी कि सेकेंड नंबर का पॉइंट, आप जब रनिंग करने जाते हैं, कई बच्चे तो फर्स्ट टाइम देंगे लेकिन उनको भी घबराहट हो रही है वो सुन के, कई बच्चे पहले इस चीज़ को भुगत चुके हैं। जब आप रनिंग करने जाते हैं यहाँ पे आप 5 मिनट पहले इस रनिंग को पूरा कर लेते हैं या 2 मिनट पहले रनिंग को पूरा कर लेते हैं, लेकिन वहाँ आप जब फिजिकल ग्राउंड में जाते हैं आपकी रनिंग पूरी नहीं हो पाती। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है आपकी बॉडी को जो कंफर्ट जोन मिला हुआ है ना, आप सी पुसी के भरोसे रह जाते हैं, आप उससे बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, बात को गौर से सुन लीजिएगा, अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं जरूर बताइएगा। आप अक्सर जो रनिंग करते हैं वो या तो सुबह के टाइम करते हैं यानी कि 5 से 7 बजे के बीच में, या फिर आप शाम को 6 से 8 बजे के बीच में रनिंग करते हैं। यही टाइम है ना, मैं ये कह रहा हूँ 95% स्टूडेंट इसी टाइम पर रनिंग करते हैं। बोलेंगे सर ऑब्वियसली यही टाइम है, इसमें अलग बात क्या बता रहे हो, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका कम्फर्ट जोन है जो आपकी बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर जाने नहीं देता। अब आप एक बात बताइए, आप सुबह के टाइम करते हो तो सुबह एकदम ठंडा मौसम होता है, आप शाम के टाइम करते हो रनिंग तो एकदम ठंडा मौसम होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सभी तो इतने लकी नहीं होते, कुछ गिने चिने स्टूडेंट होते हैं जिनकी रनिंग सुबह जल्दी करवा ली जाती है। अधिकतर स्टूडेंट का नंबर आता है 10 बजे बाद में, 11 बजे भी हो सकते हैं आपकी, 12 बजे भी हो सकते हैं आपकी, 2 बजे भी हो सकती है। ये जो 10 से 2 बजे तक के बीच का जो टाइम होता है ना, ये सबसे ज्यादा टफेस्ट टाइम होता है। इस टाइमिंग में अगर आपकी रनिंग हो गई तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको घबराहट होने लग जाती है, आप पसीने में पूरे के पूरे भर जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, आप वो कर ही नहीं पाते हो, बल्कि आप अंदर से इतने मोटिवेट फील कर रहे थे पहले मैं कर लूँगा, लेकिन वहाँ देख करके या कुछ स्टूडेंट को देख करके आप घबरा जाते हो कि मेरे से नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है, आप उस टाइम पर कम्फर्ट जोन में कर रहे होते हैं, दोपहर में जब आपसे रनिंग करवाई जाती है तो आपकी बॉडी जो टेम्परेचर होता है उसको सहन करने की हैबिचुअल नहीं होती है, उस वजह से आप घबराहट होती है, आपको पसीना आने लग जाते हैं, आपको चक्कर आने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप उस जोन से बाहर निकले ही नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझिएगा। आपको पता है कि आपकी कट ऑफ आ चुकी है, फिजिकल आप कहीं मान के चलिए कि 20 दिन बाद में है, ठीक है, डेट को भी भूल जाइए, 20 दिन बाद में है। आप एक काम कीजिए, अगर मानते हैं तो इस बात को जो आपकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप दोपहर में 10 बजे से 2 के बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उमेश सर ने बोला था तो हम करें, आप जैसे भी हो आप चाहे 500 मीटर ही कीजिए, ठीक है, डेली के डेली 500 मीटर, फिर आप 1 किलोमीटर तक आ जाइए चाहिए डेली, ज़्यादा भी नहीं, तो आप 500 मीटर या 1 किलोमीटर की खुद की बॉडी को इतना थोड़ा सा इस जोन में ढालने की कोशिश कीजिए कि अगर आपसे दोपहर में भी रनिंग कराई जाती है ना तो आप इसको कर सके, आपकी बॉडी है कम्फर्ट जोन से बाहर आ सके। इसलिए अब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोपहर के टाइम पर भी फिजिकल करने की कोशिश कीजिए, यानी कि 10 से 2 के बीच में आप रनिंग की आदत डालिए, 100% ये वर्क करेगा, आपकी बॉडी जो कंफर्ट जोन में उससे बाहर आएगी, आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा कि दोपहर में आप ज़्यादा भी नहीं,
तो आधा किलोमीटर एक किलोमीटर तो आप खुद की बॉडी को इस चीज़ के अकॉर्डिंग डालने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये जिस चीज़ की समस्या आती है आपको कभी नहीं आएगी। दूसरा रीज़न ये है सर, आप यहाँ पे ये चीज़ तो कर लेंगे लेकिन सर हम हमारे ग्राउंड में जब रनिंग करते हैं वहाँ कर लेते हैं लेकिन वहाँ जा करके हमें घबराहट होती है, इसका रीज़न क्या है? या तो अगर आप सिटी से हैं तो आप जो पार्क में जो राउंड बने हुए आप यहाँ रनिंग करते हैं, आपने फिक्स कर रखा है कि अगर 500 मीटर की इसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है तो आपको कितने चक्कर लगाने, इस तरीके से आप उतने चक्कर लगा के कंप्लीट कर लेते हो, या फिर आप कहीं पे भी एक प्रॉपर तरीके से दौड़ने जाते हो वहाँ करने जाते हो। हो सकता है कि आप जिस ग्राउंड में जा रहे हो वहाँ से अलग वहाँ की जो कंडीशन है वो आपको देखने की मिलती है। वहाँ पर आप पार्क में टाइलें बिछी हुई रहती है, वहाँ पर आपको पत्थर कंकर भी मिलते हैं, उनमें भी आपको दौड़ना पड़ता है, उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है ना। आप राउंड राउंड घूमने की आपकी आदत है, वहाँ पर आपको लंबा दौड़ाया जा सकता है, हो सकता है आपकी लंबे दौड़ने की आदत है आपको राउंड घुमाया जा सकता है। इसलिए अगर आप जैसे भी प्रिपरेशन करें उससे थोड़ा सा अलग जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ भी रनिंग करें उससे अलग ग्राउंड में जाकर के, या फिर जैसे आप लंबा कहीं पे किसी एरिया में जाकर के प्रॉपर एरिया में जाकर के आप रनिंग करें उससे थोड़ा सा चेंज करके देखिए, जिससे आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मैं कहीं पर भी रनिंग कर सकता हूँ, चाहे राउंड फील्ड हो चाहे पे आपको लंबा दौड़ाया जाए कहीं पर भी या फिर नई जगह पर भी, जिससे आप एक ही चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होंगे। इन चीज़ों का सामना करना सीखिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आप एग्जाम देने जाते हैं, आप वहाँ एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं, आप पेपर को सोल्व करते हो, वहाँ पे आपको बहुत सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप अपने घर पे उसी पेपर को आकर के करते आप कर लेते, क्यों? क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, डेफिनेटली आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, खुद को लेकर के भी संशय पैदा हो रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे पूरे हुए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उम्मीद है आपका जो सपना था और उसमें जो रुकावटें आ रही थी अब वो नहीं आएंगी, आपको पॉजिटिव फील हुआ होगा, पॉजिटिव वाइब्स आई होगी, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट विशेष, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करे अपने RPSC, SSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।